खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी जोन मोहित गुप्ता आज शहर कोतवाली में आयोजित सैनिक सम्मेलन में मौजूद रहे। इस दौरान उनके द्वारा मौजूद लोगों की समस्याओं को सुना गया और IGRS व जन सुनवाई के माध्यम से प्राप्त प्रार्थना पत्रों का समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण, विवादित प्रकरणों में निरोधात्मक कार्यवाही, हिस्ट्री शीट व टॉप 10 सूची में शामिल अपराधियों की सतत निगरानी तथा छोटी सी छोटी घटनाओं पर गंभीरता पूर्वक कार्यवाही करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके बाद IG जोन द्वारा थाना परिसर का भ्रमण कर कार्यालय, महिला हेल्प डेस्क, जन सुनवाई, CCTNS, मेज बैरक, मलखान और शस्त्रागार आदि का भी निरीक्षण किया गया और उनके द्वारा थाना क्षेत्र के चौकीदारों को टॉर्च और साफा का भी वितरण किया गया। इस अवसर पर गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इरज राजा, अपर पुलिस अधीक्षक नगर ज्ञानेंद्र नाथ, क्षेत्र अधिकारी नगर सुधाकर पांडेय, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली दीन दयाल पांडेय एवं अन्य अधिकारी, SI व कोतवाली के कर्मचारीगण मौजूद थे। IG जोन मोहित गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत में गाजीपुर पुलिस के कार्यकलापों की तारीफ करते हुए कहा कि हरियाणा की शराब अगर गाजीपुर में पकड़ी जा रही है तो ये गाजीपुर पुलिस का गुणवक है। त्योहारों में शांति व्यवस्था बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है, इसके लिए संबंधितों को निर्देशित किया गया है। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत चौराहों के CCTV कैमरे से निगरानी रखी जा रही है, अगर कहीं कोई तकनीकी खराबी है तो उसे भी जल्द दूर कराया जाएगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। आज मैं थाना कोतवाली गाजीपुर के यहाँ पे औचक मुआयने पे आया था। यहाँ पर मैंने आके सभी कर्मचारियों के साथ सम्मेलन किया, उनकी समस्याओं को जाना। उसके बाद मैंने थाना परिसर का भ्रमण करके यहाँ पे शस्त्रागार, यहाँ पे हमारे जितने भी बैरक है, मेस है, कार्यालय है, उनका महिला हेल्प डेस्क है, आगंतुक कक्ष रजिस्टर है, इन सबका थोड़ा थोड़ा यहाँ पे जो अभिलेख है उनका निरीक्षण किया और यहाँ पे उसको सुधार के लिए दिशा निर्देश दिए। सर, दशहरे का त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से बीता है, लगातार कई त्यौहार काफ़ी अच्छी तरीके से बीते हैं, दिवाली सबसे है, और किस तरीके के कुछ नए निर्देश, कुछ नई तैयारियाँ या पटाखों को लेकर या सावधानियाँ कुछ ऐसी हैं जिसको आपने बताया है? अगर हमारे ये कहते अब तक के जो त्यौहार हैं वो सकुशल संपन्न हुए हैं और मेरी अपेक्षा है कि गाजीपुर पुलिस जिस मुस्तैदी से अब तक काम कर रही है आगे भी करती रहेगी। यहाँ पे दिवाली को लेके विशेष सतर्कता का हमारी जारी रहेगी। जितने भी भीड़भाड़ वाले इलाके हैं हमारे ये कहते हैं जहाँ पर ख़रीदारी होती है या जहाँ पर सुनारों की दुकान है, वहाँ पर ये कहते हैं पुलिस को विशेष अपनी पेट्रोलिंग रखनी पड़ेगी, गश्त रखनी पड़ेगी। जितने भी आपराधिक तत्व हैं उन पर नज़र रखनी पड़ेगी। महिलाओं को ये कहते हैं सुरक्षा के प्रति उनको विशेष निर्देश दिए गए हैं, कोई भी ऐसे आपराधिक तत्व या अराजक तत्व अगर कुछ गड़बड़ी करेंगे उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, दिवाली के त्यौहार नज़दीक है और ऐसे अवसर पर अक्सर जो है यहाँ बड़ी खेप में जो है शराब पकड़ी जा रही है, इसके लिए क्या? मैं कहूँगा कि गाजीपुर पुलिस की एक ये उपलब्धि है कि यहाँ पर इतनी सक्रिय है कि जो आप बता रहे हैं आपके हिसाब से हरियाणा वाली शराब अगर यहाँ पर आके पकड़ी जा रही है तो इसका मतलब गाजीपुर की कार्यशैली पर ये एक बढ़िया वो है, अच्छी कार्रवाई हो रही है और मैं अपेक्षा करूँगा कि गाजीपुर पुलिस इसी तरह अच्छे तरीके से काम करती है। एक इम्पॉर्टेंट सवाल सर, विभागीय व्यवस्था को लेकर है, CCTV कैमरे के रूप में लाखों रुपए के सिस्टम लगाए गए हैं गाजीपुर में और अगर बारीकी से देखा जाए तो कुछ दिन से उस सिस्टमों में कमी आई है। अपराध नियंत्रण में 30% सहयोग करता है सिस्टम और हर महत्वपूर्ण चौराहे पर लाखों रुपए के कैमरे लगे हैं। जैसे आपने इंडिकेटर को चेक किया, अगर इस कैमरों को ठीक किया जाए तो आपका भरपूर सहयोग होगा, किस तरह की नीति है और कैसे आप करेंगे इसमें? नहीं, बिल्कुल, इसमें ये हमारी प्राथमिकता है कि जितने भी त्रिनेत्र के इसमें हिसाब से हमने यहाँ पे सभी ये कहते हैं भीड़भाड़ वाले इलाकों में और महत्वपूर्ण चौराहों पे और जगहों पे कैमरे लगवाए थे तो उनकी क्रियाशीलता को लगातार चेक किया जाएगा और अगर उनमें कुछ खराबी है तो उसको दुरुस्त करा के दोबारा से उनको कंट्रोल किया जाएगा। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, नई वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।